ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਮਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 16 ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਦੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਦੈਨਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਤਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अरे वाह रूमी मना है आपके पापा ना इतना प्यारा लग रहा है एक बच्चे को और की चाहिए था सिर्फ पेरेंट्स का टाइम उन्हें तो प्यार ना? आपने लात मारी और उसकी कुर्सी उलट गई ओला ने दर्द से ऊंधे मुंह जमीन पे गिरा टांगे कांप रही थी उसकी बस तुम ऐसे हंसते रहो फिर मैं सबको देख लूंगा आप भी इस तरह सबको देखते रहे ना मैं भी हंसते रहूंगा बहुत चलाक हो गया तू हां पर हां वो टीचर से भी कहा तुमने कि विल यू मैरी मी टीचर बदमाश बात चलाऊं तुम्हारी उसके साथ वो मान गई तो रूमी तू तो पक्का बदमाश हो गया यार उससे बात चलाऊं ना बहुत प्यारी या मैं उससे बात चलाऊं तुम बात चलाओगे तुम क्या बात करोगे उससे ओ माय गॉड पापा ले सोच रहे हैं कितना प्यारा बच्चा है कौन सोच रहा है वापस आ गया अपने बोर्डिंग हॉस्टल चलो उतरो अब क्या है देख रहा हूँ अच्छे लग रहे हो डैशिंग अपना ख्याल रखना YouTube बाय 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 अपना ख्याल रखना एक मिनट सच बोलो टीचर को शादी कर लेता शोड़ा कट्टी हाँ अच्छा सॉरी सॉरी ओके बाय 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 ये क्या हुआ है कुछ नहीं अरे कुछ तो हुआ है ना ऐसी तो चोट ही लग जाती बताओ ना शहवार लगता है मुंह के बल गिरे हो तुम कम ऑन यार बताओ ना मेरी जान निकल रही है शहवार पहले तुम ये तय कर लो कि तुम्हारी जान किस किस के लिए निकलती है शहवार खुदा के वास्ते बताओ हुआ क्या है तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बीच दलाली करते हुए मुंह के बल गिरा झगड़ा हुआ है झगड़ा कौन करेगा झगड़ा मुझसे साले ने अचानक मुझ पर धावा बोल दिया I was inspecting this. मैं हमेशा नहीं हैरान है कि दानिश ने ज़्यादा चोट नहीं लगी है
थोड़ा सा खून निकला है, पानी दो। रूमी का क्या हुआ? सच बताऊं तो रहम आ रहा है मुझे अपने हाल पर। कल जो लड़की मेरे लिए मर रही थी, आज वो अपने बेटे को याद करके तड़प रही है। मैं जान सकता हूँ? Where do I stand? माँ है वो, बोल सकती है पर कितने टाइम? वो नहीं मिलेगा तुमसे। वकील से बात हुई थी मेरी, जब तक रूमी नहीं चाहेगा तुम दोनों की मुलाकात नहीं होगी। और प्लीज समझ आ गया, तुम भी अपनी मामलों को जरा कंट्रोल में रखो। तुम्हारी वजह से बार बार उस 2% के आदमी से मैं मुलाकातें नहीं कर सकता। मतलब अगर वो मेरा गलबान ही पकड़ ले तो बोलो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो 2 दिन के बाद ये जवाब दिया उसने। क्या? डराकर चला गया तुम्हें। शहवार केमिकल्स के चेयरमैन को मारपीट कर चला गया। तो क्या करूं, पुलिस लेकर पहुंच जाऊं उसके पास? शहवार केमिकल के चेयरमैन एक टपोरी से लड़ने के लिए आया है। मैं चाहूं तो सुबह तक उसका पता ना चले। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हो गया। मैंने कब कहा कि मेरी वजह से चुप हो जाओ? साले को कुछ हो गया ना तो पहला शक तुम पे जाएगा। पुलिस तो साफ कहेगी इस लड़की ने अपने आशना के साथ मिलकर उसको मार डाला। शहवार बोल दिमाग आएगा। मीडिया, मीडिया के हाथ ऐसी खबर लग जाए तो ऐसा चर्चा करेगी कि ट्रंप को भी पता चल जाएगा। तुम्हारा बेटा भी उसके चुंगल में, वो बैठ के उसको सिखाता है कि अपनी मामा से नहीं मिलना। उसको भी थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, वो भी कहता होगा हाँ नहीं मिलूंगा। इस तरह क्या देख रही हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह के कामों में इस तरह होता है। तुमने तो कहा था ये मेरी धमकी है। And your धमकी means something। साले को तुम मेरे हाथों मरवाओगी। Okay, करता हूँ कुछ। बेटे को साथ लेकर आएगा तुम्हारे पास। शर्म कर, तू इन्हें साल हो गए ना रही है। किसी से मिल भी नहीं सकता। क्या कहूँगा? मेरी बहुवा के एक्स हस्बैंड ने मुझे मारा। साउंड सो चीप। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, खेल क्यों नहीं रहे? रेस्ट कर रहा हूँ। तो कब है मामा से मुलाकात? आई नो अभी तो तुम्हारा उनसे मिलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आखिर तो मिलना है ना। चीजों मदर नहीं, बहुत प्यार करती है तुमसे। तो वो बहुत प्यार करती है, मैंने उनकी आंखों में देखा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो नहीं देखा? मेरे पापा भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी नहीं देखा? हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा चलो हम कोई और बात करते हैं। क्या? पता है पापा का फोन आया था और वो कह रहे थे कि वो बहुत बहादुर होगा। कल उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया। कैसे? वो जो गंदे अंकल है ना मेरे मामा के हस्बैंड, टीचर नो दस रुपया सारे का पिटाई की है। बच्चे सारे दिल से बच्चे हेट करते थे मेरे पापा को। आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई नो हम ना पहले 3 लोग एक घर में रहते थे,
बच्चे ने मन ते कितना इफेक्ट है। 3 डिफरेंट हाउस में भी अलग हो गई, इधर हो गया, सब दानिश के अंदर हो गया। ये सब तुम्हारी मामा की वजह से। I'm sorry. I didn't mean it. I know you're right. नहीं, मैंने वैसे। अच्छा चलो हम कोई और बात करते हैं। क्या? तुम अपने पापा की शादी करो। कल मैंने बात की तो बोले shut up. साल में एक दफा shut up बोलते हैं जब बहुत गुस्से में होते हैं। पर तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? ऐसी मैंने उनकी एक लड़की देखी ना, बहुत अच्छी लगती है उनके साथ, और मैंने शक्ल भी देखी है उसकी, पर माने ही नहीं, डांट दिया मुझे। कौन है वो लड़की? मेरी जानने वाली। तुम्हारी? यस। प्यारी है बहुत? बहुत। तो वो माने क्यों नहीं? उनका दिल टूट गया ना टीचर, वो अब शादी नहीं करेंगे। मैं बात करूँगा। हंस क्यों रहे? ऐसे ही वो आपको डांट देंगे। कम ऑन, तुम देखे हो मुझे नहीं पता। मैं बात करती हूँ। शैतान है दस के नहीं गया कि ताड़े रिश्ते नहीं कर चाहिए। अरे अब्बा बच्चा है। अरे यार बस करो ना, तुम्हारी वजह से एक भतीजा आदमी ने मुझ पर हाथ उठा लिया, तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया, अब तुम इस तरह रूठ कर बैठी रहोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? अगर तुम शहवार अहमद होकर इतने बेबस हो तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बेबस मतलब? मैं तो समझी थी तुम्हारी धमकी सुनकर वो डर गया होगा, डर के मारे रूमी को लेकर भागता हुआ आएगा मेरे पास और मिन्नत करके कहेगा कि लो रख लो उसको अपने पास। तुम तो उसके हाथों की नाक तुड़वा कर आ गए। तुम उसे मरवाओगी मेरे हाथ। मुझे रूमी से दानिश को मरवा दो, उसके लिए चाहे तुम कुछ भी करो। आज के बाद अगर तुमने मुझे धमकी दी या मेरे और मेरे बेटे के बीच में आके दलाली की कोशिश की, डर न गया करेगी तो तुम्हें तुम्हारी टाई से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा और सबके सामने सचमुच नंगा कर दूंगा। क्या सोच रहे हो? कल सोच रहा हूं। तुम बात करो उसे, समझाओ उसे, तुम्हारे बेटी की वजह से या फिर तुम्हारी वजह से रियायत मिल रही है उसे, वरना 30,000 में कराची में लोगों का कत्ल हो जाता। बोलो कि मैं माँ हूँ उसकी, मेरा हक है उससे मिलना। ये गरीब लोगों की तरह का एटीट्यूड बंद करें वरना कहीं बोरी में पड़ा होगा। क्या कह रहे हो तुम? अरे यार बेटे से मिलने का शौक है तो रिक्वेस्ट कर लो उसकी, तुम्हारी खातिर मैं भी घुटने टेक लूंगा। मैं उससे मिलने जाऊं? पंगा नहीं लेना चाह रहे हूं दानिश नाल। तब तक उन्हें पता है कि उन पंगा ले आ दे गया मैं। फिर देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ। सही कह रहे, रिक्वेस्ट कर। देख क्या रही, देखने से लगता है कि इस तरह रिक्वेस्ट करने में थोड़ी सी बुजदिली है, तो क्या है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी खातिर ये भी सही, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर एक बात पक्की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहले अपना संभालो अपना आप। सच्ची मैं भी तक चिड़ हो रही है कि वो गंदी लेडी है। तो ऐसा सामान जा रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आई शेख साहब, अचानक ही हो गया ये सब। एक दिन पता चला कि बीवी छोड़कर जा रही है और अब खबर आ रही है कि दानी साहब खुद जा रहे हैं। छोड़ क्यों गई वो उनको? छोड़ नहीं गई जनाब, भाग गई है। जहाँ काम करती थी ना वहीं बास के साथ सेटिंग हो गई उसकी।
समझ, पैसे में इतना मकनातीस है कि खींच देता है अपनी तरफ। दानिश साहब आ रहे हैं। खुदा गवाह दानिश साहब, आपके जाने का बहुत अफसोस है। ऐसा महसूस होता है कि अपना आदमी को छोड़ के जाने साल भाई मेरी तरफ से तो गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अरे नहीं नहीं जनाब, इमोशनल मोमेंट हो जाता है, बल्कि हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने बताया नहीं आप यहाँ कहाँ रहे? मैंने अभी सोचा नहीं है। अरे सामान अपने दोस्त के यहाँ रखूंगा, कोई डिसाइड ही नहीं शायद होता है। उससे बाहर चला जाऊं, लेकिन खुद आकर मिलूंगा आप लोगों से। जरूर दानिश साहब, मुलाकात होती रहेगी। हाँ इंशाल्लाह। तुमसे झगड़ा किया, तुमसे दोस्ती खत्म कर दी, तो माफ कर देना यार। अरे नहीं नहीं दानिश भाई, झगड़ा मेरी वजह से हुआ था, कसूर भी मेरा ही था। अभी भी ना जाने पता नहीं क्या। रियलाइज थे कि था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। बचपन में बड़ा ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? सलामत रहो दानिश साहब। वापस भाई। दिखा देना क्लॉज। श्योर। और लॉयर से डिस्कस कर लेना। मैं कर लूंगा, आपको रिपोर्ट दे दूंगा। सर स्टॉक एक्सचेंज फोन कीजिए। ओ क्या हुआ सर? शेयर 2500 गिर गया। यस, डूब गया शेयर। मतलब क्या मार्केट क्रैश कर रहा है? शेयर डूब गया सर। मार्केट तो 14 पॉइंट राइज कर रही है। हेलो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? दानिश से मिलने। तो जाओ, मुझे फोन क्यों कर रही हो? ये क्या हो रहा है? और हड़ताल का क्या हुआ? हड़ताल तो 2 दिन से चल रही है सर। मतलब काम नहीं हो रहा? ऑब्वियसली सर, कोई काम कर ही नहीं रहा तो काम कैसे होगा? क्यों, उनकी सैलरी से रिवाइज कर दी थी? मैंने तो कह दिया था कि बढ़ा दो सैलरी। नहीं सर, आपने सख्ती से मना किया था कि एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। अरे यार कहाँ से पढ़े हो तुम? अब कह दिया ना कि बढ़ा दो, और पढ़ाने से पहले फोन कर देना कि बढ़ गई। जी सर। जाएं। जिस पैसे का इतना गुरूर, वो पैसा ही फिसलता हुआ दिखता है ना। किधर कर ऐसी कोई जान जरा तक कारण है तोड़े नदिया बदुआमा नदी आंसू कम नहीं आ गई सुने बीबी जी, सुने बीबी जी, अगर आपको दानी साहब से मिलना है तो अब यहाँ नहीं। यहाँ नहीं है मतलब? फ्लैट बेच के चले गए। क्या, कहाँ चले गए? ये नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। किसी को भी नहीं पता? नहीं, यहाँ किसी को नहीं पता। उन लग दिए है। रुक गई? कौन रुक गई? मैं हड़ताल की बात कर रहा हूँ। Are you all right? कौन बोल रही है? क्या? मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रही हैं आप? महवेश बोल रही हूँ शहवार। ओह, तुमने बताया क्यों नहीं? बोलो क्या बात है? दानिश यहाँ से फ्लैट बेचकर चला गया है। चला गया? पागल हो गया शेवार, पागल। डर कर भाग गया साला। हाँ
जो असी देखे एपिसोड 16 पार्ट 1 ओ माय गॉड मतलब हुन हर पार्ट विच नवा नवा सब आई जा रहे हुन ना शहवार नु बहुत जल्दी रियलाइज होएगा क्योंकि ओदे लॉसेस शुरू हो चुके ने शहवार दे हुन नीचे आन दी गति शुरू हो गई है ते उन्हें बहुत जल्दी पता चलेगा कि उन्हें कीता एक्चुअली अपनी गलतियां रियलाइज होएगी और महाविष्णु अजय नहीं हो रहा पर महाविष्णु भी होएगा सब पता लग जाएगा धीरे धीरे देखन दो इस एपिसोड दा मेनू बेस्ट पार्ट वो लगया जो स्टार्टिंग में दिखाया कि रूमी और दानिश इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे सी और वो भी बड़ा इंतजार रहेगा कि जब उसकी टीचर गर्ल करेगी रूमी बहुत शैतान है बहुत ही बढ़िया लगया मेनू आज दा एपिसोड तुहानू साडा रिएक्शन किस तरह दा लग्या सानू नीचे कमेंट्स विच जरूर दसना जी साडी वीडियो नू लाइक करो साडे चैनल नू भी सबसक्राइब करना जी।